15 मई के बाद व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ये न्यूज़ सुनने के बाद आपको जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग सकता है कि आखिर जो ऐसा क्या फंडा हुआ है जो कि 15 मई के बाद जो है व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर जो है 15 मई के बाद ऐसे कौन कौन से कारण बन सकते हैं जिससे जो आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा, या किस किस का व्हाट्सएप नहीं चलेगा और किस किस का व्हाट्सएप चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज जो सारा ही क्लियर करने वाला हूँ कि जिससे जो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो है 15 मई के बाद आखिर जो है क्या फंडा होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो थोड़ी सी पिछली बात बताता हूँ कि यानी कि जनवरी में एक पॉलिसी आई थी व्हाट्सएप की, अगर उस पॉलिसी को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका जो है 8 फरवरी के बाद जो है अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक अपडेट और निकल के आया था कि यानी कि 8 फरवरी ना करके उसको जो है 15 मई कर दिया गया था कि यानी कि अगर आप 15 मई तक अपनी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो वहां पर जो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। 8 फरवरी को छोड़कर 15 मई कर दिया गया। 15 मई के बाद फिर एक और अपडेट निकल के आया कि वहां पे जो आप जो है आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा, आप जो है 15 मई के बाद भी अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। फिर एक न्यू अपडेट यहाँ पर निकल के एक और आ चुका है, वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि यहाँ पर जो क्या होगा कि अगर कोई अपनी व्हाट्सएप की यानी कि जो व्हाट्सएप में प्राइवेसी पॉलिसी आई है अगर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसका अकाउंट जो है डिलीट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो है व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल नहीं कर पाएगा। अब आपको समझ में अगर आ रहा होगा कि अगर कोई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता है तो यहां पर जो आप जो है व्हाट्सएप की वीडियो कॉल और वॉइस कॉल नहीं कर पाओगे, और आप जो है अपनी चैट लिस्ट जो होती है वो भी आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तो उसका जो आप रिप्लाई दे सकते हो, अगर आपके पास कोई वीडियो कॉल आती है तो उसका भी आप जो आंसर यानी कि उठा सकते हो उसको कॉल को, अगर आपके पास कोई वॉइस कॉल आती है तो आप जो है उसको भी यानी कि उठा सकते हो। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि ये कंडीशन, एक और कंडीशन इसमें है कि अगर आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको जो कोई भी कंडीशन यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि आपकी नोटिफिकेशन में आपका मैसेज आएगा और वहीं से आप रिप्लाई कर सकते हो, आपकी वीडियो कॉल आएगी नोटिफिकेशन में आप वहीं से जो उसको कॉल उठा सकते हो, वॉइस कॉल आएगी तो वॉइस भी आप वहीं से उठा सकते हो। ये जो फंडा चलेगा कुल ओनली ऑन एक हफ्ते या 10 दिन का चलेगा। इसके बाद अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। ये ही ऐसा एक फंडा है, यही व्हाट्सएप ने एक रूल निकाला है कि यहाँ पर अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो यहाँ पर जो आप वीडियो कॉल और वॉइस कॉल नहीं कर पाओगे और अपनी चैट लिस्ट भी शो नहीं कर पाओगे। यही इस वीडियो में बताना था। अब आपको जो समझ में आ गया होगा कि आखिर जो प्राइवेसी पॉलिसी, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का ऐसा कौन सा फंडा चल रहा है जिससे जो आपका व्हाट्सएप 15 मई के बाद नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया होगा आपने। तो आई गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो से प्रेस कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।